सभी किसान वीरों और बहनों को अनकलापी लाल सा सभी किसान वीर जय सरकार को बताने आए हैं कि सभी किसान हिंदुस्तान को अनाज खिलाने वाले हैं। जहां का मजदूर, सभी बिल्डिंग, पार्लियामेंट, सब कुछ बनाने वाला मजदूर है, पर पंजाब इसी समय रंगला पंजाब के नाम पर जाना जाता था। उनके आंगन में फसलों के बोहल थे, दानों के ढेर होते थे, उनकी कोठियों में गुड़ होता था, शक्कर होता था, उनके बेड़े में पशु धन था, उनके घरों में दूध या ढोली भरी रहती थी, उनकी चाटी में लस्सी और मक्खन था। ये सब कुछ निजी कंपनियों की नीति ने, निजीकरण की नीतियों ने सब कुछ छीन लिया। अब उनके आंगन में 70 बिस्ते हैं, उनके घरों का सिरों में शमशान भूमि में रास्ता जाता है। अब किसान भूखा मर रहे हैं, जो सारे हिंदुस्तान को खिलाता था। इसकी जिम्मेवार हमारी सरकार है, जिन्होंने किसानों को मशीनरीकरण का इतना कर्जा दिया जो उतार नहीं सका। हमारे हिंदुस्तान में यही पॉलिसी बननी चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन के अनुसार उनको काम मिलना चाहिए। मशीनों की कम जरूरतें थी, सरकार ने मशीनें ट्रैक्टर बेच कर ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों को फायदा दिया, कारपोरेट घराने को फायदा दिया, किसानों की जेबों से पैसा छीन लिया, उसकी जमीनें गिरवी रखी गई, सड़कों के नाम पर, पुलों के नाम पर किसानों की जमीनों को छीना जाता है, इंडस्ट्रियलिस्टों को उनकी जमीनें छीन कर दी जाती है, और सड़क और पुलों के नाम पर उनके घरों को ढाया जाता है। सड़क और पुल किसके लिए है? इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बनाती है। क्या सरकार किसानों को कर्जे में निकाल नहीं सकती? उन पर क्या इन्वेस्ट करती है सरकार? ये हमारी मांग है कि किसानों का कर्जा उतारना, उसको ऐसी व्यवस्था देनी जो किसान मशीनरी नहीं खरीद सकता, जिसकी कम भूमि है उसको सांझी मशीनरी सरकार उपलब्ध करवाए, और जमीन की दोबारा बंट होनी चाहिए। जो मजदूरों के पास जमीन नहीं है, जहाँ जो किसानों के पास कम जमीन है, बड़े लोगों से जमीन छीन कर उनमें बांट देनी चाहिए, और जो किसानों के परिवार खुदकुशी करते हैं, हमारे जो सांसद हैं, एमएलए हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ये सोचते हैं किसान इसलिए खुदकुशी करते हैं कि उनके परिवार को 4-5 लाख मिल जाए। मैं कहना चाहती हूँ, कभी 4-5 लाख लेने के लिए किसी एमएलए के, किसी सांसद के परिवार ने कभी खुदकुशी की है? ये किसानों की दुर्दशा है, जो उनकी मजबूरी है, इसको इनको समझना चाहिए। और किसानों की महिलाओं का काम छीन लिया, किसी समय खेतों में कपास और नरमे की खेती होती थी, दालों की खेती होती थी, किसानों के सभी परिवार को काम मिलता था, आज महिलाओं के लिए कोई काम नहीं। सरकार से मांग करते हैं कि उन महिलाओं के लिए ऐसे उद्योग स्थापित की जाएं जो किसान खेती धार धोन और महिलाओं को काम मिल सके। इतनी बातों के साथ तुम्हारा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।